स्वागत है आप सभी का डीएम चर्चा के एक नए एपिसोड के अंदर। तो जो भी आप लोगों के सवाल आए हैं हम एक एक करके मंजीत सर से पूछते हैं। तो जो आज का जो पहला सवाल है वो ये है कि इज देयर ग्रोथ इन गूगल एड्स बिकॉज आई एम प्लानिंग फॉर गूगल एड्स कोर्स। देखो जहां तक गूगल एड्स की बात है उसके ग्रोथ की बात है, अगर आप एज अ पीपीसी आगे बढ़ना चाहते हैं गूगल एड्स वगैरह या फेसबुक एड्स वगैरह में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बेसिकली इसके अंदर जो है डेफिनेटली ग्रोथ अवेलेबल है। क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखें चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं तो हर जगह पे एड्स जो है वो यूज की जाती हैं, रन की जाती हैं, और स्पेशली बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं तो वो डेफिनेटली एड्स को रन करते हैं। और आज की डेट में तो जो नए स्टार्टअप्स हैं वो भी अपना जो है मार्केट के अंदर अपना जो प्रेजेंस दिखाने के लिए जो है मार्केटिंग करने के लिए, री मार्केटिंग करने के लिए जो है इन एड्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप जो है गूगल एड्स में आगे कोर्स प्लान करके इसमें करियर बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आई वुड से कि यू शुड गो विद दिस। सर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां तक गेस्ट पोस्ट और लोग जो है पेमेंट मांगते हैं तो डेफिनेटली यार मांगेंगे भी, उसके पीछे सिंपल सा रीजन है। से फॉर एग्जांपल अगर आप मेरी वेबसाइट पे आ रहे हो और मैं मेरी वेबसाइट पे आके आप एक गेस्ट पोस्ट जो है वो पोस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए मैंने क्या करके रखा, मैं वेबसाइट को होस्ट कर रहा हूँ उसमें मेरे चार्जेस मैं ईयरली पे कर रहा हूँ, प्लस उसके साथ साथ में मैंने अपनी वेबसाइट का जो है डोमेन अथॉरिटी वगैरह क्रिएट करा है, तो जो कि आपको काफी ज्यादा अच्छा बेनिफिट देगा। और एक हाई डोमेन अथॉरिटी से अगर आपको बैकलिंक लेना है तो डेफिनेटली उसके लिए जो है कुछ तो पे करना पड़ेगा। तो ऐसे में जो है यहाँ पे मैक्सिमम जो वेबसाइट गेस्ट पोस्ट के लिए डिजाइन की गई है तो डेफिनेटली वो पैसा मांगेगी मांगेगी, लेकिन अगर आपका कोई नोन है या कोई फ्रेंड सर्कल में है तो डेफिनेटली वहां पर आपको फ्री मिल सकता है, अगर कोई लिंक हो तो आप उसका यूज कर सकते हो। और रही बात फ्री की तो डेफिनेटली अगर बैकलिंक ही लेने हैं तो आप बहुत सारी अदर वेबसाइट्स हैं उनसे आप जो है बैकलिंक्स वगैरह ले सकते हैं, लाइक क्वेरा वगैरह हो गया, है ना। तो ऐसे कई सारे और भी वेबसाइट्स हैं जिनसे आप बैकलिंक वगैरह ले सकते हो, लेकिन जहां तक किसी दूसरे की वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट की बात है तो वहां पे तो आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम वर्किंग एज एसईओ एग्जीक्यूटिव इन डिजिटल मार्केटिंग कंपनी बट माय सीनियर्स आर नॉट हेल्पिंग मी, व्हाट शुड आई डू। यू आर वर्किंग एज अ SEO expert and your seniors are not helping. See, basically ये जो concept है, ये जो situation है, ये हर एक fresher या जो भी एक नई कंपनी के अंदर जाके ज्वाइन करता है तो एक इनिशियल स्टेज पे जो है डेफिनेटली इस तरह का जो माहौल है वो आपको बहुत सारी कंपनीज के अंदर देखने को मिलेगा, जहां पर सीनियर्स जो है वो डेफिनेटली जूनियर्स को इतना ज्यादा कोऑपरेट नहीं करते हैं। उसके पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, उनके पास में अपना खुद का एक वर्क होता है उसको कंप्लीट करना होता है, कई सारे अदर टास्क होते हैं उसको कंप्लीट करना होता है, तो इन बिटवीन अगर आप उनसे कुछ ज्यादा पूछ रहे हैं वो भी एक गलत हो जाएगा, क्योंकि उनको अपना भी टाइम जो है उसी टाइम के अंदर बाकी का जो काम है उसको कंप्लीट करके अपने बॉसेस को भी रिपोर्ट करनी होती है। लेकिन जहां पे बात है कि आप कैसे हेल्प कर सकते हैं खुद की, तो यहां पर मैं आपको बताऊं सेल्फ लर्निंग जो है ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आप एक आदत बना लेते हो सेल्फ लर्निंग की तो आपको कोई भी अपना करियर को एनहेंस करने के लिए, अपने नॉलेज को एनहेंस करने के लिए डेफिनेटली कोई भी नहीं रोक सकता है। और इसके लिए जो है आप यूट्यूब का हेल्प ले सकते हैं, गूगल का हेल्प ले सकते हैं, राइट, और बहुत सारे क्रिएटर्स हैं यूट्यूब के ऊपर में जो बहुत अच्छे से जो है चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। तो रेदर देन आस्किंग योर सीनियर्स बिकॉज उनके पास टाइमिंग नहीं है तो आपको हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जो है यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं। और सेल्फ लर्निंग का कॉन्सेप्ट जो है ये हमेशा बहुत ही पावरफुल टूल कह सकते हो इसको, जो आपको आपके करियर के बूस्ट इतना देगा आप जहां पर भी जाना चाहते हो जिस भी गोल को अचीव करना चाहते हो उस गोल को आप अचीव कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है, इन डिजिटल मार्केटिंग देयर आर लॉट्स ऑफ टूल्स, व्हिच वन शुड आई लर्न। देखो डिजिटल मार्केटिंग जैसे पहले भी कई बार हम लोग कह चुके हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा समुद्र है, राइट। अब उस समुद्र के अंदर जो है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं, तो एक पर्सन की अगर बात करें तो डेफिनेटली एक पर्सन जो है वो सभी टूल्स को नहीं सीख सकता है, अगर सीख भी लेता है तो एक ओवरव्यू लेगा, डीप नॉलेज जो है किसी भी टूल का नहीं हो पाएगा।
डीप नॉलेज सिर्फ एक ही चीज का किया जा सकता है, आपको उन टूल में से कौन सा सबसे अच्छा टूल लग रहा है, जो आपको लग रहा है कि मैं इंजॉय भी कर रहा हूँ और मैं कभी भी उस पर गिव अप नहीं करूंगा और मैं आगे से आगे उसके अंदर जो है बहुत अच्छे से और डीप नॉलेज जो है वो ले सकता हूँ और उसको बहुत अच्छे से अपने करियर के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर कोई ऐसा टूल है, लेट्स से आपको गूगल्स में गूगल एड्स की बात करें या फेसबुक एड्स, यानी कि आप पीपीसी में जाना चाहते हैं या फिर आप एसईओ का आपको अच्छा लग रहा है एंड आपको कंटेंट राइटिंग बड़ा अच्छा लगता है, तो जो भी टूल आपको पसंद आ रहा है जिस भी डोमेन में आप जाना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, तो आप उसी टूल के उसके रिलेटेड जो भी टूल्स है उस पर्टिकुलर डोमेन से रिलेटेड जो टूल्स है आप उनमें देख लेंगे कि कौन कौन से मोस्ट यूज होने वाले टूल्स हैं जो आपको काफी हेल्प कर सकते हैं अपने करियर ग्रोथ वगैरह के लिए। आप उन टूल्स को बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए। ये जरूरी नहीं है कि सारे टूल्स आपको याद करने हैं या सारे टूल्स आपको सीखने हैं, इट्स नॉट मैंडेटरी। तो बेसिकली जो आपको हेल्प कर सकते हैं वही टूल एक या दो या चार जो भी है आपके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप उनको जो है याद कर सकते हैं और अच्छे से नॉलेज ले सकते हैं और अपने करियर को बूस्ट करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी ओके गाइज, आई होप कि आप लोगों ने जो भी सवाल मेरे से पूछे और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वो मैंने आपके आंसर करे हैं और स्लोली ग्रेजुअली इस पूरी जो डीएम चर्चा है हमारी इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अगर आपके सवाल जो है थोड़े से और डिटेल में आते हैं तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक या दो क्वेश्चन ऐसे लूं मैं जिसको मैं कुछ प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाऊं कि किस तरीके से आपको उसके ऊपर में आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलता हूं एक और नई डीएम चर्चा के अंदर और जो भी आपके सवाल हैं वो आप हमारे पूछ सकते हैं इसी वीडियो के या फिर हमारे डीएम डिजिटल मंजीत के किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना जो क्वेश्चन है वो डिटेल में लिखिए सो दैट कि मैं डीएम चर्चा के अंदर उसको एड्रेस करूं और आपके जो भी क्वेश्चन हैं, आपकी जो इश्यूज हैं, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व कर सकूं। फिर मिलता है एक और नए डीएम चर्चा के अंदर। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।